हाय पम्मी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का गुलाब जामुन। मैंने ब्रेड के जो साइड के होते हैं पार्ट्स वो हटा दिए हैं और ऐसे एक पैकेट ब्रेड ले लिया है मैंने। एक कटोरी चीनी ले ली है मैंने जिसे मैं चाशनी बना लूँगी और दूध लिया है। इसको तोड़ के उसको मार लेंगे जैसे आटा मारते हैं टाइट वैसा मार लेंगे हम। इसे में बस चार चीज़ यूज कर रहे हैं, ब्रेड, चीनी, दूध और तेल। इसमें इसको फ्राई करेंगे और थोड़ी सी इलायची डालेंगे जब चाशनी बनेगी उस समय, और थोड़ी सी किशमिश ले लेंगे इसमें भर जब गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें भरने के लिए। कटोरा ले लेंगे छोटा सा ऐसा, और ब्रेड को ऐसे तोड़ देंगे सारे ब्रेड को। मैं तोड़ के मिलती हूँ सब। ये सारे ब्रेड मैंने तोड़ लिए हैं। अब मैं ये दूध ले लूँगी और चम्मच ले लूँगी, एक एक चम्मच डाल के इन ब्रेड को मिलाती जाऊँगी, मारती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे जिससे ये पतला ना हो, टाइट हो। ये दूध को ब्रेड में पूरा मार लिया मैंने। आपको सूखा लगे थोड़ा दूध और डाल सकते हैं, मेरे को सही था तो मैंने उतना दूध डाला। और देखिए गोल गोल बन रहा है, मैं ट्राई करके देख रही थी, आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं प्रॉपर बनाऊँगी तब दिखाऊँगी आपको। तो मैं वो गोले गोले बनाऊँगी रसगुल्ले, तब तक मैं चाशनी चढ़ा रही हूँ। धीरे चाशनी होती रहेगी, मैं चाशनी चढ़ा दी हूँ जब तक ये धीरे धीरे होती रहेगी। तो मैं गोले बना लूँगी फिर तल के फिर इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी ले ली है किशमिश इसमें मिला के डालने के लिए, गोल गोल बनाने के लिए। ऐसे गोल करके इसमें बीच में रख के फिर इसको गोल कर देंगे जैसे रसगुल्ला का शेप होता है। आपके ऊपर है, आपको डालना डालिए नहीं डालना नहीं डालिए, अच्छा लगता है डालेंगे तो, नहीं डालने कोई दिक्कत नहीं। दो बन गए हैं मेरे, अब मैं सब बना के आपको मिलती हूँ। ये मेरे बन गए रसगुल्ले, आपको दो शेप देना हो दे सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी। एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा बने हैं। मैं तीन चार इलायची ले ली है, कूट लूँगी फिर उसमें चाशनी में डाल दूँगी। आपके पास पीसी हुई इलायची हो भी डाल सकते हैं। मैंने ले लिया कढ़ाई, उसमें डाल लिया थोड़ा सा तेल, थोड़ा गर्म होने देंगे फिर उसको कम कर देंगे फिर तलेंगे। तेल हो गया है गर्म तो मैं तलने जा रही हूँ। थोड़े थोड़े डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। आँच कम करके तलेंगे इसको, दोनों सब तरह से पक जाए। ये मैं दूसरी बार निकाल रही हूँ, मैंने इसको पलट दिया जिससे चार तरफ पक जाए। थे वो मैं इसमें डाल दूंगी चाशनी में, थोड़े पकने दूंगी इसको। एक तरफ मैं तल रही हूँ रसगुल्ले। आप भी ऐसे बना सकते हैं ब्रेड से। आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो किसी न किसी चीज़ से, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, ब्रेड है, दूध है, इलायची है, किशमिश और चाशनी बनानी है, तेल में तल के डालना है जैसे नॉर्मल आप बनाते हो गुलाब जामुन। आप गैस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहिएगा जिससे वो जले ना और अंदर से कुक अच्छे से हो जाए। घर के बेसिक सामान है ब्रेड, हमारे घर में होता ही है, तेल होता ही है, दूध होता ही है, बस इसी सामान से बनाना है, बाहर से नहीं लेके आना पड़ेगा आपको। और इसको आराम से तलना है जैसे फटे ना, अंदर तेल ना चला जाए और सही से कुक भी हो जाए। चाशनी मेरी हो गई है, मैंने इसको गैस को बंद कर दिया। अब गुलाब जामुन सारे तल के फिर मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने सारे रसगुल्ले तल के निकाल के फिर इसमें चाशनी में डाल दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी जैसे गर्म है तो चाशनी अंदर चली जाए अच्छे से। आप भी बनाइए और खाइए, आप पता नहीं चलेगा ये ब्रेड का है, किसी को खिलाएंगे तो। जब आप बनाएं तो गरम गरम चाशनी में ही डालें, ठंडी चाशनी में डालेंगे थोड़ा पकने तक जाएगा नहीं। मैंने नॉर्मल
पे डाल दिया था तो ज़्यादा अंदर तक गया नहीं था। आप पूरा जो चाशनी हो गर्म हो उसी में डालिए। मैंने अपने घर पे सबको खिलाया, किसी को नहीं लगा कि ये ब्रेड का है, आप भी बनाइए और खाइए। सबको लगा खोए का है या किसी और चीज़ का। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो को देख के ट्राई करें तो इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।